अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन की सेना ने जापान सागर में अपनी सैन्य ताकत की फिर नुमाइश की है और इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपने दुश्मनों तक सावधान रहने का संदेश भी पहुंचाया। दोनों देशों की सेनाएं समंदर से ही लक्ष्य को भेदने वाले वॉरशिप और पनडुब्बी रोधी विमान के साथ साथ अन्य आधुनिक सैन्य उपकरणों के जरिए पिछले कई दिनों से युद्ध अभ्यास कर रही है, जिसकी शुरुआत 14 अक्टूबर से हुई थी। 18 अक्टूबर को यह अभ्यास जापान के सागर में खत्म हुआ। 4 दिन तक चले संयुक्त समुद्र 2021 नाम के इस आर्मी ड्रिल में संचार, पारदी सुरंग रोधी, हवाई खतरों और पनडुब्बी रोधी कार्रवाई का अभ्यास किया गया और इस दौरान समुद्री लक्ष्यों को संयुक्त रूप से निशाना बनाया गया। इस दौरान चीनी और रूसी नौसैनिक जहाजों की एक टुकड़ी 100 गरुड़ जल डमरू मध्य से भी गुजरी, जबकि जल डमरू मध्य को अंतरराष्ट्रीय जल के रूप में माना जाता है। जापानी सरकार ने इस पर कहा कि उस सैन्य अभ्यास पर पूरी नजर बनाई हुई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों में एक खटास के बाद मॉस्को और बीजिंग के बीच हाल के सालों में घनिष्ठता काफी बढ़ गई है। दोनों देशों ने आपस में सैन्य और राजनयिक संबंध काफी विकसित कर लिए हैं।